सभी दर्शकों से अनुरोध किया जाता है, यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप अभी के अभी मतलब तुरंत ये वीडियो देखना बंद कर दें, क्योंकि इसमें अमीर बनने और घर घर में इंटरप्रेन्योर पाए जाने का जोखिम शामिल है। और यदि गलती से आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो हो सकता है कि आपके हंसते हंसते रास्ते लग जाएं। जनहित में जारी। तो स्वागत करते हैं आपका। इस बंदे को तो आप जानते ही होंगे। अच्छा, इसे नहीं तो इसे तो जानते ही होंगे। हाँ हाँ, वही, बहुत सही समझ रहे हो आप। तो आज तारीख है 14 फरवरी, यानी वैलेंटाइन डे का, मतलब तुझे देखा तो ये जाना सनम। कि रितेश अग्रवाल ओयो के मालिक की नेटवर्थ 1.1 बिलियन करोड़ पहुंच चुकी है। यदि मैं आपसे पूछूं कि साल का ऐसा कौन सा दिन है जब ओयो रूम सबसे ज़्यादा बुक होते हैं, तो आपका जवाब होगा 14 फरवरी, यानी वैलेंटाइन डे का दिन। बहुत तेज हो रहे हो, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लोग तो यूं ही बदनाम करते हैं 14 फरवरी को। असल में सबसे ज़्यादा ओयो रूम्स न्यू ईयर में बुक होते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग न्यू ईयर पे आउट ऑफ सिटी घूमने जाते हैं और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ स्टे करते हैं। हालांकि 14 फरवरी को सबसे ज़्यादा रूम ना बुक होने का एक रीज़न और है मेरे पास। एक्सक्यूज मी अंकल, मुझे एक रूम चाहिए था। सर, सिंगल या डबल? ऑफ कोर्स अंकल, डबल। 15 मिनट के लिए, 3 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए? अंकल, 15 मिनट, 1 घंटे, 3 घंटे में क्या होता है अंकल? पूरे दिन के लिए बताओ। सर सॉरी सर, पूरे दिन के लिए आज नहीं मिल पाएगा, बहुत ज़्यादा बुकिंग है। पूरे दिन के लिए नहीं मिलेगा? ओ शिट। अरे भैया, मैं किया। नमस्ते अंकल जी, रूम चाहिए था क्या इनको? आइए आइए, हम दिखाते हैं। अरे भैया, थोड़ा कुंते में तो आइए बाहर। एक मिनट भैया, आप कौन? हम बजरंग दल से। नहीं नहीं भैया, मेरा हो गया, मुझे नहीं चाहिए रूम। अरे ऐसे कैसे हो गया सर, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया, आपका ख़त्म होने को आ गया। अरे बजरंग दल वाले हो गए। पकड़ो भाई इसको, ले चलो कुंते में। अरे नहीं भैया, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अरे ओ जाएंगे। आप तो बोलते रहो कि ओयो ऐसा है, ओयो वैसा है, पर रितेश भाई ने अपने बिजनेस माइंड से तो बाजी मार ही ली है। होटल्स तो इंडिया में पहले भी थे, आज भी हैं, पर बात करें उनके प्राइस और फैसिलिटी की, तो होटल्स में स्टे करने का जो प्राइस उस समय होटल चार्ज करते थे, उससे एकदम मिनिमम प्राइस पर ओयो रूम्स अवेलेबल कराती है। जैसे कि वन नाइट स्टे के लिए जहां अदर होटल्स 1000 प्लस चार्ज करती थी, वहीं ओयो 500 प्लस में मिल जाते हैं। देखो, मेरी तरफ उंगली मत उठाओ कि तुझे कैसे पता। अरे भाई, गूगल नाम की भी कोई चीज़ होती है यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। और यदि बात करें ओयो की फैसिलिटी की, तो जब ओयो 2013 में स्टार्ट हुआ था, तो उनका सबसे मेन मोटिव था कि कॉमन मैन को मिनिमम प्राइस में बेस्ट फैसिलिटी देना, और ओयो ने रियल में बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की है। फिर चाहे वो ओयो के वॉशरूम हो, वहाँ की डेकोरेशन हो, लाइटिंग हो, या फिर बेड हो, सब A1 क्वालिटी का। और याद करिए ओयो के आने के पहले होटल्स के वॉशरूम की हालत, मानो ऐसा लगता था कि जैसे हम किसी खंडहर में आके बसे हैं। सुनो भाई, जाते जाते यदि वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और यदि कोई शिकायत हो या सुझाव देना हो तो कमेंट तो खाली है। हाँ भाई, लगा दो डोपचिक डोपचिक।